उसके बाद फिर कोर्ट में अलग दीजिएगा, फिर दो तोहफे में और दूंगा आपको स्ट्राइक के, दो ही मारी थी ना आपने स्ट्राइक, तो दो तोहफे में और दूंगा। उसका जो कंपनसेशन कौन देगा, उनको जो लाखों रुपए खर्चा जो बिल भरा वो कौन देगा? सज्जाद सलीम या एक्सप्रेस न्यूज सवालिया निशान? हाँ, सज्जाद सलीम देगा या एक्सप्रेस न्यूज देगा, दोनों ही इसके जिम्मेदार है, जिम्मेदार है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले तो मैं माजरा चाहता हूँ जो दो महीना में गायब रहा, उसकी वजह यह है कि जब मैंने कुर्बानी कर लिया था तो उसके बाद फिर मेरी जो ईडन फार्म के मालिक हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आ जाऊँगा तब ये जो खुसरे बाबा हैं सज्जाद सलीम फराडी, तो इन पर फिर केस होगा, और वो वीडियो में भी मैंने कहा हुआ था, तो केस हो गया है इनके एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर भी और ये सज्जाद के ऊपर भी, और बहुत जल्दी ये आपको कोर्ट में दिखने वाले हैं, और जैसे पहले मैंने कहा था कि काफ़ी ब्लॉग्स अब इनके आने वाले हैं तो आएंगे, और जो फिर इनके साथ होगा वो भी इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर होगा। बस एक वादा रह गया है, वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह पूरा करेंगे, उसकी वजह ये है कि हमारे बॉस आ गए हैं, तो फिर वो काम वैसे ही रुका हुआ था, तो फिर और हमने डिले कर दिया था, तो बॉस भी आ गए हैं, अब इंशाल्लाह बाकी का फैसला वो करेंगे, तो एक तोहफा मेरी तरफ से रह गया, बल्कि दो तोहफे और दूंगा, तो अब जब वो बॉस कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं इनको जरूर डिलीवर करूंगा, इनका पूरा सॉफ्टवेयर तरीके से अपडेट करूंगा। उसकी वजह ये है कि इनसे मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, एक तो ये जो इन्होंने स्ट्राइक मारी वो बहुत इन्होंने गलत हरकत की, उसकी वजह ये है कि जब ये इतने सच्चे पक्के और ये अल्लाह के नाम ले लेके झूठ जो बोल रहे हैं, जिन्नातों के नाम पे कुत्ता बिल्ली और चादर वाले जिन निकाले में, तो जब मैंने वो जिन इनका दिखाया जाए खड़े होकर बाखुदा की कस्में खा रहे थे कि हाँ मैंने भी आवाज़ सुनी, और वो इन्हीं का बंदा वहाँ से झाड़ियों में से जा रहा था आवाज़ करके, और ये वहाँ खड़े होकर सज्जाद सलीम फराडी बाबा जो हैं वो वहाँ खड़े होकर कस्में खा रहे थे, और उसी पे उन्होंने स्ट्राइक भी दी थी, तो उसके ब्लॉग में खैर अलग से बनाऊंगा। तो अभी ये है कि आप ये गोस्ट हंटिंग में वकील ब्लॉग भी देख लें, क्योंकि अब केस होने जा रहा है दोनों फ्रॉडियों पे, तो दो तोहफे मेरी तरफ से और मिलेंगे सज्जाद सलीम फ्रॉडी को, बाकी का फैसला बॉस कर लेंगे। तो अब इंशाल्लाह आपको हमारी सर्विस भी तेज मिलेगी, अब पॉडकास्ट वगैरह और जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं वो फिर से ऑन हो जाएंगी, क्योंकि मेरी जो ईडन फार्म के मालिक हैं उनसे बात हुई थी, जब उन्होंने कहा था मैं आऊँगा और केस होगा, फिर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि उसी वक्त फिर वीडियो बनाऊंगा, तब इसलिए फिर मैं भी छुट्टियां मनाने कहीं और गया हुआ था, और फिर काम भी रोका हुआ था, फिर बॉस को भी आना था तो वो भी आ गए, तो एक साथ सारे काम हमारे हो गए। तो अब सज्जाद सलीम के लिए मेरा ये पैगाम है कि अब आप अल्लाह और रसूल और जितने भी आपके चूरन मंजन हैं आप दें, उसके बाद फिर कोर्ट में अलग दीजिएगा, फिर दो तोहफे में और दूंगा आपको स्ट्राइक के, दो ही मारी थी ना आपने स्ट्राइक, तो दो तोहफे में और दूंगा। और जिनको नहीं पता कि ये क्या हुआ है, क्यों स्ट्राइक्स पड़ी हैं, जो नए आए हैं वो भी उनके लिए, और पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि इन्होंने स्ट्राइक्स क्यों मारी थी, जो बहुत अच्छे सच्चे मुसलमान बन के सलाम वालेकुम चूरन दे के जो वीडियोस बनाते थे और जिनके नाम पे कुत्ता बिल्ली चादर दिखा रहे थे, तो फिर आप लोगों को भी समझ आ जाएगा, और फिर अब सर्टिफाइड फ्रॉडी हो गए दोनों, एक्सप्रेस न्यूज भी और वो भी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, शुक्रिया। इन्होंने हमारी जो है पूरी रेपुटेशन खराब की, लोगों ने की पूरे इलाके में, मतलब हमारे जो है फार्म हाउस के मिस्त्री भी लोग उसके पास कोई आके को विजिट ही नहीं कर रहा, ना कोई आ रहा है, ना कोई फार्म हाउस में कोई नहीं जा रहा, सब इधर दूसरे जा रहे हैं, जो हमारे जो रुपये तबाह हो गए, हमारे फार्म हाउस में जाते थे पार्टीज आती थी और फ्रेंड आते थे जाते थे विजिट करते थे, अपना पूरा वक्त गुजारते थे, अब वे चार्जेस नहीं करते थे, अब तो कोई आई नहीं रहा, जिससे लोगों में खौफ भरा था, लोग समझते हैं कि भाई ये जो है ऐसा वाकई ऐसा फार्म हाउस में है कि हम अपने बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स को लाए विजिट कराए, तो ऐसा ना अल्लाह ना कर उनके पास आसेब आ जाए, उनको कुछ जी का साया आ जाए, लोग तो बहुत एहतिकात इन चीज़ों पर करते हैं कि ऐसा ना हो ऐसा कुछ आ जाए, ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम कहाँ अपने बच्चों का इलाज कराते रहेंगे, इससे तो फॉर्म हाउस जाते ही नहीं है भाई, अपने को बचाएं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है फार्म हाउस का, जिसका जिसकी जिम्मेदार एक्सपर्ट न्यूज और सज्जाद सलीम है, जिसने जो है हमारे फार्म हाउस को बदनाम किया इस सोची सी स्कीम के तहत, यानी वहाँ का कोई शूट किया है और चौकीदार को चंद पैसे देकर चंद रुपए देकर 2000 रुपए देकर फार्म हाउस के अंदर आके हम खाली विजिट करेंगे, और वहाँ जाके वो शूट कर रहे हैं, वहाँ जाके रात तक 4-5 घंटे वहाँ रहे हैं, इतने वजह से कितने बजे तक रहे वहाँ पर,
ये वहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 6 बजे से लेके 10 बजे तक रहा, 6 से लेके 10 बजे तक, यानी 6, 7, 8, 9, 10 चार घंटे स्टे किया है, बाकी उसके अंदर उन्होंने शूट किए और जो पूरा फार्म हाउस विजिट किए और फैला दिया, पूरे फैला दिया, पूरी मीडिया फैला दी गई कि फार्म हाउस में ये दिन आ रहे हैं, सब फार्म हाउस अजीब किस्म के सरकटे आ रहे हैं, सरकटा आ रहा है, सरकटा लोग खेल के बेचे खौफजदा होंगे, कौन बच्चों को लेके जाएगा फार्म हाउस में, अभी बाबू अगर किसी को चलता है इस घर में कोई आसिफ चलता है तो उस घर घर ही नहीं बिकता, सही बात, उस घर की अगर बैठे करोड़ों की तो कुछ 40 लाख रुपए भी लेने के तैयार नहीं होते कि घर में आते तो हम क्यों नहीं भाई, हम अपने बच्चों को क्यों खौफ में मुबतला करें, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, तरह तरह के मामला दोनों कौन रहेगा, इसी तरह फार्म हाउस को बाकायदा सोनी सभी उसकी वजह सरदार सलीम और उसके बाद एक्सपर्ट न्यूज ने सब बाकायदा साथ दिया है, वो चाहते उसकी तहकीक करते मार्केट वैल्यू खराब कर दी, हमारे फार्म हाउस की वैल्यू माशाल्लाह 2.5 से 3 करोड़ 4 करोड़ तक की थी, अब कोई अब कोई जो है हम तो खैर बेच नहीं रहे मगर उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू खराब कर दी, वो कोई विजिट ही नहीं कर रहा, वो डर के मारे की डर के मारे अपनी फैमिली को नहीं ला रहे, वरना हमारे हर हफ्ते एक ना एक जो है बुकिंग होती है, इसीलिए भाई ने वहाँ बुलाया था कि भाई सर बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर के शिकार है, बहुत ज्यादा उनकी बहुत डाउन हो रहा है, डिप्रेशन में चले, डिप्रेशन चले गए, इस फार्म हाउस पे हमारे हजारों रुपए महीने का खराज आते हैं, इस फार्म हाउस पे खराज आते हैं, फार्म हाउस की सप्लाई मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस सही बात, इसको रुकावटा करना बड़े फार्म हाउस को जुगाड़ करना आसान नहीं है, कितने एकड़ पे रही है एकड़ का, ये इतना बड़ा फार्म हाउस है, इसको मेंटेन रखना, इनको सही रखना, इनके अंदर जो है स्विमिंग पूल भी है, इसमें झूले भी हैं, इसमें बच्चों के वो झूलों पे भी बता रहे थे कि वहाँ जिन्नात के बच्चे झूलते हैं, हाँ वो कह रहे हैं जिन्नात के बच्चे झूलते हैं, जिन्नात के बच्चे झूल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं ना, सांप के बच्चे कैसे झूलेंगे, तो वहाँ बर्बाद कर दिया, केस करना चाहिए कि कमल को 5 करोड़ रुपए का जाना थे, बिल्कुल कंपनसेशन देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, उसका जो कंपनसेशन कौन देगा, उनको जो लाखों रुपए खराजा जो बिल बना वो कौन देगा, सज्जाद सलीम या एक्सप्रेस न्यूज, सवालिया निशान, सॉरी चाहे सज्जाद सलीम देगा या एक्सप्रेस न्यूज देगा, दोनों ही इसके जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि वो उनको पता है कि हमने क्या कुछ किया हुआ है, कि हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है, मगर अब हम इन पर केस फाइल करेंगे और हम इसमें कंपनसेशन जो हमारा रहेगा, ये सज्जाद और एक्सप्रेस दोनों, हाँ दोनों सज्जाद सलीम और एक्सप्रेस, सज्जाद सलीम जो की यूट्यूबर है, यूट्यूबर बनाकर अपनी यूट्यूब जो है सेल आउट करता है, मुख्तलिफ चैनल्स पर खासतौर पर एक्सप्रेस न्यूज के लिए काम कर रहे हैं, तो और एक्सप्रेस न्यूज जो इतना बड़ा चैनल है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये बगैर तहकीक के कैसे आगे हाईलाइट कर रहा है और अपने नाम से चला रहा है, बिल्कुल उसका मतलब ये भी शरीक है, ऐसे ही my farmhouse and make an apology regarding your blasphemous allegation on ghost or whatsoever. How come you enter anyone property without their permission and how you can damage someone business for business for damage ye aa gaya business for your likes and views. I'll come to Pakistan. I will sue you in court against charges of breaching my property, making vlogs without my permission.
overwriting and tampering walls of my farmhouse and making fake baseless stories and many more. This is gentle and final warning to you. फिर ये नीचे सज्जाद ने इनको रिप्लाई किया था कि मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना? ऐसा ही है। उन्होंने एक्सेप्ट किया वैसे ही। ये बोल रहे हैं सज्जाद ने मुझसे गलती की है। किया है। ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जाना चाह रहे थे आपने जब देखा कि यार तो कह रहे कि मैं कैसे जाऊं भाई ऐसे ही 25,000 रुपए दे रहे थे मुझे कहा था कि आपसे बात हुई है लेकिन उस टाइम में गवादर में था मैंने कहा नहीं पहले मैं खुद भी मिल लूँ आपसे क्योंकि बहुत कह रहे थे कि उन्होंने नोटिस भी भेजे और उनका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने कहा था नोटिस रिसीव नहीं कर रहे हैं जानबूझ कर आगे तो जान तो अब हम इसका मुझे नहीं पता था किस्म की जो है डिसीव कर रहे हैं ना धोखा दे रहे हैं जिन भूत घूम रहे हैं घूम रहे हैं और ये फलाने घूम रहे हैं ये चलने की आवाज आ रही है ये यहाँ कोई साया आ रहा है ये क्या हो रहा है इस तरह की फेक किस्म की बातें फेक किस्म के साया ये शेडो और ये इस तरह की बातें हैं ये घोस्ट स्टोरी बना रहे हैं लोगों में ओवरराज पैदा कर रहे हैं चलो अगर ये रियल हो तो फिर बात समझ में मगर ये इसमें कोई सदाकत से सच्चाई को ताल्लुक ही नहीं है स्टोरी का सारी स्टोरी खुद तक बनाई गई है और हमारे फार्म हाउस को बदनाम किया गया अच्छा ये मैसेजेस अभी ये हम उसके लिए बाकायदा सूट फाइल करेंगे इन दोनों के खिलाफ और वो कंपनसेशन जो डिफेमेशन का जो है डिफेमेशन बिल्कुल और जो ये जो हमारी इज्जत को डैमेज किया ना कि हमारी इन्होंने रेपुटेशन को डैमेज किया है बाकायदा जब से बंद पड़ा है फार्म हाउस भाई कोई आ ही नहीं रहा वहां पर कोई भी करने नहीं आ रहा कौन आएगा अरे हमारे बच्चों का ऐसा नहीं छाया आ जाए बच्चों का सेवना आ लोग तो फॉरन यकीन कर जुड़े हैं नजर यहां देखे जुड़े के नजर आ रहे हां हां सब दिखा रहे हैं दिखा रहे 22 लोगों को मारा सर दिखा रहे हैं सर जिन्नात सर का 22 लोगों को मारा है और ये वीडियो वगैरह सब मैंने अभी देखा है सब आपको मेंशन करके दिया है वीडियोस वगैरह क्लिप वगैरह मौजूद है मेरे पास वीडियोस हैं हर चीज है हम जाकर अदालत को दिखा देते हैं वो वीडियो है मेरे पास है वीडियोस वगैरह सब नहीं है क्या कहते हैं क्या डिवाइस है डिवाइस है डिवाइस के सब चीज के अंदर मौजूद है कि सारी वीडियोस 19-20 वीडियोस डाली है इन्होंने एपिसोड बनाए इन्होंने बाकायदा से मारा हाथों से मारा आग भी लगा दी फार्म में पता नहीं क्या क्या लाखों रुपए कमाए इन्होंने हमारे फार्म हाउस को बदनाम करके और वो जब से हम हमारे फार्म हाउस को बदनाम कर लाखों रुपए कमाया और वो और हम इसमें जो है क्राइसिस में चले गए फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए मेंटल टॉर्चर में चले गए इस वजह से हमारा दरिया माश खत्म हो गया इनके जिम्मेदार कौन है सवाल निशा सदा सड़ी टैक्स पर न्यूज ज्यादा पैमरा को चाहिए एक्सो न्यूज और सज्जाद सलीम को हां पैमरा को तो मैंने अपनी वीडियो में रखी है पैमरा को मैं पार्टी बना वाओ पैमरा को भी पैमरा को भी जो है ना चेचेंगे हां वो तो नोटिस जाएगा ना पैमरा को पैमरा नोटिस करना है आप उस पर एक्शन लेना पैमरा करेगा ना जब आप फेक ये जब फेक दिखा रहे हैं तो फिर ये जब आप लेना इनको एक्शन कि ये रियल भी दिखा रहे हैं या खुद इसको एडिट एडिट करके बना रहे हैं एडिट कर रहे हैं वो खुद उसको सब झूठ दिखा रहे हैं उसके ऊपर भाई पहले तो भरा रहता था यार ये बुकिंग नहीं मिलती थी तो जब से वाकया हुआ कोई हाई नहीं रहा सुल्तानपुर में भाई सुल्तानपुर में पहले हम फ्री में भी जाते हां लोग कह रहे फ्री में भी जाते हैं हमें जाने नहीं भाई माफ करो हमें जाकर अपने वासन में हमको बुक में करके अपालत कर रहे हैं तो हम दम दुरुस्त के चक्कर में कहां पड़े रहेंगे भाई